So, madam, three identities that you have to remember and write it as many as time you can. The first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now, iska transformation bhi samajh lo. Isko ghuma phira ke kaise likh sakte hain wo bhi samajh lo. This can be written as sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. अब इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, जहाँ कहीं भी आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा हो, अकेला लिखा हो तो उसके बाजू में कुछ सेटल करके 1 प्लस कॉस लाना होगा. सो दिस विल बी समथिंग लाइक ए प्लस बी ए माइनस बी, सो दैट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है सर, ऐसा कुछ एग्जाम्पल में दिखे जैसे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो दिमाग में ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए. कहीं पे आपको 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस लिखे तो आपको ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका फॉर्मुलेशन क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर. 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर. जरूरत पड़ने पे कॉस स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसको फॉर्मुलेशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. So what is 1 plus sin a plus b, a minus b. So 1 minus cos square theta, sorry, 1 minus sin square theta, 1 minus sin square क्या होता है? So उसको ये example में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ use होगा. So अकेला ये formula आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं question में. That is sin square can be written as 1 minus cos square and cos square can be written as 1 minus sin square. So, ये एक formula है जो repeatedly use होगी आगे. Then, second formula is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. जैसे आपको लिखाया गया है, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. ये आपने याद रखा होगा. अब इसको लिखने के तरीके भी समझ लोगे. Tan square को एक साइड पे ले लो. तो ये हो जाएगा sec square theta minus tan square theta is equal to 1. जरूरत पड़ने पे a square minus b square हुआ. So can you write this as sec theta plus tan theta. Sec theta minus tan theta is equal to 1. जरूरत पड़ने पे ऐसे फॉर्म भी आ सकते हैं. आपने ऑलरेडी ये तो याद रखा ही है, sec square theta is equal to क्या होता है, 1 plus tan square theta. कई जगह पे इसका ऐसा भी यूज होता है के sec square theta minus 1 is equal to क्या होगा? So ये 1 को हटा के अदर साइड पे ले लो. ये सब तरीके हैं, मतलब याद एक रखना है लेकिन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं सवाल बनेगा. तो ये हुआ आपका sec square theta is equal to 1 plus tan square theta का ट्रांसफर. इधर उधर घुमाओ, you will get some new form. Okay, and the last ये मैं आपको समझा रहा हूँ टूल्स. बिफोर यू सॉल्व आइडेंटिटी टाइप एग्जाम्पल दिमाग में इतना घूमना चाहिए, तभी जाके सॉल्व होगा आपसे. लास्ट फॉर्मूला इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अब कॉट स्क्वायर को एक साइड पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये हुआ आपके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जरूरत पड़ने पे 1 के बदले ये भी लिखना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पे. ओके, ये क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. जरूरत पड़ने पे आप ये भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा. इसके ऊपर से टाई रखिए. ओके, सम टाइम इन नीड वी मे आल्सो राइट लाइक दिस. से You already know this. Sin theta क्या होता है? Only sin theta is 1 upon cosec theta. अब cosec को ऊपर ले लेंगे तो ये क्या होगा? Sin theta into cosec theta is equal to 1. होगा कि नहीं होगा? तो जरूर पढ़ने पे ये form भी use हो सकता है. Sin into cosec क्या होता है? 1. Similarly दूसरा कौन सा combination? Cos theta. Cos theta is equal to क्या होता है? 1 upon sec theta. So sec कहाँ जाएगा? ऊपर. So sec theta into cos theta is equal to भी क्या होता है? 1. Similarly tan theta
tan theta को आप लिख सकते हो one upon cot theta. Cot को ऊपर ले लेंगे तो क्या होगा tan theta into cot theta is equal to one. जरूरत पड़ने पे tan theta को आप ऐसे भी लिख सकते हो. Tan theta is also written as tan theta क्या होता है sin theta upon cos theta. इतने फॉर्मुलेशन के अगर जब आप गेम खेलने बैठते हो तो टूल लेके बैठते हो कि नहीं. When you solve the identity type example, you should know this. अगर ये पता है तो आप identity type example खेल लोगे, solve कर लोगे. We'll start with first example of the exercise. See, this is identity based example. We should start with left hand side. Proper लिखना पड़ेगा. Left hand side से start करते हैं. See, cosec theta minus cot theta का whole square दिया है. Now we are interested to get 1 minus cos, 1 plus cos. So what is cosec theta? 1 upon sin theta. What is cot theta? Cos theta upon sin theta का क्या है? Whole square है. ऊपर. दो step का answer. चलो. This is LCM same हुआ. So here sin theta. अब से confusion बच्चों के mind में रहता है. आप उधर sin theta whole square लिखोगे. साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे इट इज वन एंड सेम. ये दोनों सेम है. अगर आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे इट मीन साइन थीटा दो बार. साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे देन आल्सो इट इज साइन थीटा एंड साइन थीटा. ये अलग है. साइन थीटा स्क्वायर ये थीटा का स्क्वायर हो गया. सो ये दोनों सेम है और ये क्या है अलग है. दिस इज नॉट इक्वल. ये कंफ्यूजन आता है बच्चों के मन याद रखो. अब यहाँ पे क्या है साइन थीटा है साइन थीटा है होल स्क्वायर है. सो आई विल राइट साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा. ऊपर क्या बना वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम. अब यहाँ से एक स्टेप एंड द आंसर. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा रिवर्स याद करो. मैंने थोड़ी देर पहले समझाया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. हाया ना वन माइनस कॉस स्क्वायर का वन माइनस कॉस थीटा. वन प्लस कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है. समझाया कि नहीं समझाया. बस वही है. अब नीचे साइन स्क्वायर है. चलो वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर. नीचे साइन स्क्वायर है उसके बदले में क्या लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये होता है ऊपर वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. नीचे होगा वन माइनस कॉस थीटा और क्या होगा वन प्लस कॉस थीटा. So 1 minus cos and the square is, what is left over? 1 minus is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus is equal to right hand side. Any problem? समझ में आ गया? क्यों समझ में जल्दी आ जाता है अपने mind में formula होने चाहिए. कभी समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा. Okay? Okay, we'll start from left hand side. What is the left hand side? Cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A. चलो क्या करेंगे पहले LCM ले लो. क्या LCM आएगा इधर cos A and इधर 1 plus sin A. ये कहाँ जाएगा LCM multiplication के ऊपर. So cos A into cos A क्या होता है cos square plus 1 plus साइन ए का होल स्क्वायर. नीचे क्या आएगा कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए. एनी प्रॉब्लम. चलो ऊपर अब कॉस स्क्वायर है एज इट इज वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर. सो कैन आई गेट वन प्लस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए. एनी प्रॉब्लम. कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए. क्या किया मैंने बोला यहाँ तक एलसीएम लिया. ये कॉस कॉस दो बार है तो यू कैन राइट कॉस स्क्वायर. यहाँ पे अभी भी बोल रहा हूँ कंफ्यूजन आता है. कई बच्चे क्या लिख लेंगे कॉस ए स्क्वायर. दैट इज डिफरेंट. ये ध्यान पे रखना है. ये कॉस स्क्वायर ए जैसा कौन है कॉस ए होल स्क्वायर. इट इज नॉट इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर. ये थीटा का स्क्वायर हो गया. ये क्या है कॉस कॉस दो बार है. ये भी क्या समझाता है कॉस कॉस दो बार. ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए याद रखना. चलो फाइनल फ्यू स्टेप में है. चलो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है. दिस इज कॉस स्क्वायर है दिस इज साइन स्क्वायर है.
है ना. तो cos² a plus sin² a मिला के क्या होता है 1 plus 2 sin a अपॉन नीचे क्या बचा है cos a into 1 plus sin a. व्हाट इज 1 plus 1 ये 1 plus 1 क्या होगा 2. सो 2 plus 2 sin a होगा 2 plus 2 sin a अपॉन cos a into 1 plus sin a. ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा 2 2 है कि नहीं है दोनों में. सो 2 इज कॉमन क्या बचा 1 plus sin a. नीचे क्या बचा है cos a into 1 plus sin a. क्या गया 1 plus sin a 1 plus sin a is cancel 2 upon cos क्या होता है 2 sec a. आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. पहले से देखो LCM लिया So what we got cos a into cos a क्या होता है cos square है. ऊपर क्या बना 1 plus sin a whole square. नीचे LCM क्या आया cos a into 1 plus sin a. ऊपर simplify किया क्या क्या simplify 1 plus sin a का whole square क्या होता है ये रहा a plus b whole square. कौन सा formulation यहाँ से a plus b whole square ये आपको आता है. फिर हमने cos square plus sin square cos square a plus sin square a equal to क्या होता है 1. ये दो formulation use किए हैं. ये bracket में लिख दो अगर confusion आता है. ये दो formula हमने use किया है तो क्या बना cos square plus sin square क्या हुआ 1 plus ये 1 तो था already 1 plus 1 क्या हुआ 2 2 common निकाला cancel. बोलो बोलो similar kind of example you can make as sin a upon 1 plus cos a plus 1 plus cos a upon sin a. इसका solution क्या आता है वो आपको लाना है 2 cos a के आना चाहिए शायद check कर लेना जो आता है वो. लेकिन question change कर लिया पूरा कुछ भी हो लॉजिक पता होना चाहिए. एलसीएम लिया फिर एक्सपेंशन किया cos square plus sin square फिर से बनेगा सेम स्टेप से आपको आगे बढ़ना है. दिस इज 2 स्टार. ओके दिस एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल मेक इट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पेपर एग्जाम फाइनल बोर्ड इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल. सी tan थीटा कैन बी रिटन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. tan थीटा को कैसे लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा. 1 माइनस cos थीटा को कैसे लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा. एनी प्रॉब्लम. प्लस cos थीटा को कैसे लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा. एंड 1 माइनस tan को कैसे लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा. पूरा sin cos में कन्वर्ट कर लिया. ओके नाउ हियर वी हैव टू टेक LCM. यहां पे LCM में क्या आएगा इधर आएगा sin थीटा इधर आएगा cos थीटा. तो इसका सिंपलीफिकेशन होगा सी पे अटेंशन sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू 1 इज sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos theta minus sin theta upon cos theta. अब यहाँ से समझना ये है कि चार टर्म जब आते हैं तो ये कौन होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर ये कौन होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये कौन होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये होता है एन 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 डी ये होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एन डी डी एन फॉर न्यूमरेटर डी फॉर डिनोमिनेटर दोनों सेम जो होते हैं ना वो मर्ज हो जाते हैं डी डी एन एन ये भी डी डी एन एन है ये साथ में आ जाएंगे. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप एकदम नीचे वाला जो टर्म है वो कहाँ चला जाएगा एकदम ऊपर यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा एंड दिस टू विल गेट मर्ज मल्टीप्लाई. सो व्हाट इज द केस हियर सी दिस इज प्लस हियर ये क्या है प्लस है बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा
Indo sine theta minus cos theta plus cos square theta upon sine theta Indo cos theta minus sine theta. So, may you again? Yahan tak koi problem? Ab yahan se see. This is sine minus cos. This is cos minus sine. If you take minus common out of here, if you take minus common, what is left over? Sine theta minus cos theta banega ki nahi banega? Ek step mein bacha raha hun. By explaining only this part. Cos minus sine ko hum kya kar lenge? Minus common nikal ke sine minus cos kar lenge. To ye plus minus kya ho jayega? Minus common kya niklega niche se? Sine minus cos. ये जो पार्ट है वो नेक्स्ट स्टेप है. आपको लिखना है क्या लिखोगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे? प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इनटू साइन माइनस कॉस. तो नीचे क्या आया? साइन माइनस कॉस इधर भी है, साइन माइनस कॉस इधर भी है. सो व्हाट इज कॉमन आउट ऑफ दिस? वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज कॉमन. अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस. ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस माइनस. यहाँ पे क्यों बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. साइन माइनस कॉस कहाँ गया? अरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. हर एक स्टेप के ऊपर सोचो क्या हो रहा है. चलो फर्दर, यहाँ से ये फिक्स हो गया. वन अपॉन क्या रहेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. Now we will take LCM here. यहाँ पे आएगा sin theta, LCM. यहाँ पे क्या आएगा? Cos theta. So ये ऊपर जाएगा. Sin square into sin क्या होगा? Sin cube theta minus cos cube theta upon sin theta into cos theta. अब यहाँ से important formula जो आप 8th में पढ़े थे, a cube minus b cube. What is a cube minus b cube? A minus b. A square plus AB plus B square. A square plus AB plus B square. Formula. ये कहाँ तक पढ़ा था? एक में, ninth में भी पढ़ा. अब यहाँ पे sin cube minus cos cube आया. A के बदले sin है, B के बदले cos है. लेकिन formula यही लगाना है. कौन सा? A cube minus B cube. What is A cube minus B cube बेटा? So this is equal to C. Answer is almost there, few step away. Sin theta minus cos theta. Upper formula में क्या आएगा? A minus B, मतलब sin theta minus cos theta. देखा? ये और ये same आया कि नहीं? निकल जाएगा. What is left over? Sin square theta plus sin theta into cos theta plus cos square theta. Sin square और cos square की जोड़ी होती है वन. और नीचे डिनोमिनेटर में है हमारे पास वैल्यू साइन थीटा इंडो कॉस थीटा. बोलो कहीं पे भी कंफ्यूजन? हर एक स्टेप टू स्टेप पूछ रहा हूँ, कंफ्यूजन है तो क्लियर करो, हो जाएगा आराम से. वो कॉमन निकाला, एलसीएम लिया, हमारे पास बना साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके एंड हियर. अब यहाँ से क्या होने वाला है देखो. एक तो ये साइन माइनस कॉस है और ये भी क्या है? साइन माइनस कॉस. दिस बोथ विल गेट कैंसिल. ये क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन प्लस क्या बचा? साइन थीटा इंडो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंडो कॉस थीटा. अब दोनों साइड पे डिवाइड कर लो. जो लाना है उसके लिए दोनों साइड पे, वन के साइड पे भी क्या लिख लो? ये डिनोमिनेटर जो है ना, एलसीएम सेम होता है तो हम क्या करते हैं? वन अपॉन जनरेट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये कॉस कॉस साइन साइन कैंसल. वन अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा. वन अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा प्लस वन, दैट इज योर आर एच एस. आपका राइट हैंड साइड है. आपके बुक में वन प्लस लिखा होगा.
आगे पीछे हो भी जाता है तो 1+4 करो या 4+1 करो सेम होता है कि नहीं होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो फिर से देख लेते हैं, विल स्टार्ट फोर्थ एग्जांपल, विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सी लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज 1+sec A अपॉन sec A। नाउ sec, वी यूजुअली डोंट प्रेफर द फॉर्म लाइन sec, व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट sec इनटू cos। So 1+1/cos A upon 1/cos A. So if you take LCM, you will get cos A plus 1/cos A and 1/cos A. So ये cos कहाँ जाएगा, ऊपर। ये दोनों actually cancel हुए कि नहीं हुए। So ये हुआ, your final answer is 1+cos A. This is your equation number 1. चलो अब right hand side solve करो। What is the right hand side now? Right hand side, sin square A upon नीचे क्या है, 1-cos A। What is sin square A बेटा? 1-cos² A, हाँ या ना? नीचे क्या है, 1-cos A। कई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये cos नहीं कैंसिल कर देते, वेर देखते नहीं है वो, कैंसिल टू आंसर करते हैं। ये लॉजिकल समझो, दिस इज cos square, दिस इज cos, एंड वी नो a² - b², दिस इज 1-cos A 1+cos A अपॉन नीचे क्या है, 1-cos A, व्हाट इज कैंसल, 1-cos 1-cos इज कैंसल, योर फाइनल आंसर इज 1+cos A, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फ्रॉम 1 एंड 2 From 1 and 2, left hand side is equal to right hand side. Any problem? बहुत simple था, बहुत simple. इससे hard आपको हमने आगे वाला दिया. Okay? Important. One of the important and good example. Important. Okay. So we will start with one of the important example. See. cos² is equal to 1+cot² use करना है, वो specifically बोला है, so you have to use that formula. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले cot square या cos में convert करो इसको. So cos a के साथ divide करेंगे तो ये क्या बनेगा, sin upon cos क्या होता है, 10, but we are not interested in 10, we are interested in cot. So how we will form cot, divide numerator and denominator by sin theta, sin a. So ये क्या बना, देखो cos a upon sin a minus sin a upon sin a plus 1 upon sin a. Any problem? यहाँ पे cos के साथ cos a upon sin a plus sin a upon sin a, we started from left hand side, minus 1 upon sin a. Now with your basic knowledge, what will get cancelled, see, sin a cancel, yahan pe sin a cancel. So what is your next step, cos upon sin kya hota hai, cot a minus 1 plus cos a upon cot a plus 1 minus cos a. Now one of the important step, ye pure example pe ek hi step important hai, wo ye hai, see, this is cot a plus cos a, one ko main likhunga minus pe, cosec² a minus cot² a, याद तो होगा फॉर्मूला, वन की कौन, तीन थ्री फॉर्मूला है, sin² plus cos² 1, sec² minus tan² 1 and cosec² minus cot² is equal to 1. यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, ये वाली, यही हुई कि नहीं, cot² को एक साइड पे ले लो तो cosec² minus cot² क्या होता है, 1 होता है। सो मैंने 1 के बदले क्या लिख लिया, ये पूरे 1 के बदले हमने ये लिख लिया। ओके, एनी प्रॉब्लम, 1 के बदले क्या लिखा,
what we took instead of 1, instead of 1 we took cos x square minus cos square a in only numerator, denominator mein as it is. Aapko cos a minus cos x a plus 1 aise hi likhna hai. Important step. यहाँ पे 1 को भी ले लोगे तो आपका एग्जाम्पल सॉल्व ही नहीं होगा. ऊपर ही सिर्फ 1 के बदले हमने क्या लिखा है, cos x square a minus cos square a. Now, what is a square minus b square here बेटा? So ये तो हुआ cos x a plus cot a minus, ये क्या हुआ a square minus b square का होता है cos x a plus cot a cos a minus cot a. हाँ या ना? n denominator में क्या बचा है, cos a sorry cot a cot a minus cos a plus 1. अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा देखो, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट है ना, सो दैट इज कॉमन. कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज कॉमन. अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर ये 1 हो गया, ये माइनस है, माइनस ये बचा है, सो माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए प्लस cot a ऊपर बचा. any problem? ये step देखो, see the step here. चलो यहाँ से फिर से start करते हैं. ये हमने divide किसके साथ किया, sin के साथ, to make cot form. tan and sec नहीं बनाना है, ये same question tan sec में भी आ सकता है. हमने ये सवाल जानबूझ के कौन से form में convert किया है, cos x and cot. फिर 1 के बदले हमने क्या यूज किया है, फॉर्मूला कौन से, cos a square minus cot a, वो है a square minus b square. a square minus b square क्या होता है, a plus b a minus c. अब पहले स्टेप एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में कॉमन क्या निकला, cos a plus cot is common. अंदर क्या बचा, 1, इसके बदले क्या बचा, 1 minus ब्रैकेट के अंदर कॉसेक को हमने माइनस में कन्वर्ट किया, माइनस माइनस प्लस, एनी प्रॉब्लम, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए. एक्चुअली ये मैंने आगे पीछे लिखा, लेकिन ये टर्म एंड दिस टर्म इज सेम है कि नहीं. देखो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर, cos x plus cot, cos x a plus cot a. This is your right hand. इसका star बनाते हैं, 5-star. Vacation में चले जाना 5-star घूमने के लिए. चलो 5-star क्या होगा बोलो, same question, same question. Solution में सिर्फ change, solution में इसके बदले आएगा sec a plus tan a. सवाल सेम है, राइट हैंड साइड इज सेम. यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, डिवाइड बाय क्या कर लेना है इसको, यहाँ पे किसके साथ डिवाइड किया था, साइन ए के साथ, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस के साथ डिवाइड. तो पूरा एग्जांपल यहाँ पे किस फॉर्म में आता, कॉट एंड कॉसेज में आता, ये किस फॉर्म में जाएगा, sec एंड tan. क्वेश्चन इज सेम, सिर्फ प्रूफ बदल लेंगे, प्रूफ में क्या कर लेंगे, sec a plus tan a, रुपए क्या कर लेंगे, sec a plus tan, पूरी बात चेंज हो जाएगी. डिवाइड बाय क्या करेंगे, हिंट भी दे देता हूँ 5-star के लिए. 5-star में हिंट क्या है, एग्जांपल हो रहा, ओके, व्हाट इज द हिंट, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय cos a, एंड फॉर्मूला कौन सी होगी यूज, sec square a minus tan square a is equal to 1. 1 के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, sec square minus tan square. सेम लॉजिक, ओके, दिमाग लगाना है बस, नहीं होगा तो मैं करा दूं, इज इट क्लियर, आगे चले. चलो ओके, हियर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, व्हाट कैन वी डू अबाउट 1 प्लस साइन इज हियर, कैन आई राइट 1 माइनस साइन
इसका रेशनलाइज करें या इसका कॉन्जुगेट के साथ, मतलब वन प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड वन प्लस साइन के साथ डिवाइड टू मेक द फॉर्मूला वन प्लस साइन वन माइनस साइन। सो ये क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, देखो अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन ए दो बार है कि नहीं है, तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट बहुत मिस्टेक, ये पूरा कैंसिल डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं ध्यान से करो। सी यहाँ से क्या होने वाला है, ये स्क्वायर है और रूट है, ये स्क्वायर एंड रूट, तो ये क्या बचेगा ऊपर प्लस वन प्लस साइन, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा वन प्लस साइन, नीचे रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर। व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है, याद होना चाहिए। व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर है, याद है ना कि नहीं है, याद है कि नहीं है। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ये वन माइनस साइन स्क्वायर था और पूरे रूट में है, हमने रूट ऊपर भी डिवाइड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इधर स्क्वायर है और रूट है, तो ये क्या हो गया कैंसल। समझ में आ रहा है क्या बचा, वन प्लस साइन का स्क्वायर एंड उसका रूट, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल। सो यहाँ पे बचा वन प्लस साइन, नीचे क्या हुआ वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है कॉस स्क्वायर। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगेन विल गेट कैंसल, सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर, ऊपर बचा है वन प्लस साइन ए और नीचे है कॉस ए। एनी प्रॉब्लम बोलो, डिवाइड दिस, सो वन अपॉन कॉस, व्हाट इज वन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बोलो वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए प्लस सेक ए। बोलो आप खुद बनाओ सिक्स स्टार, सिक्स स्टार क्या होगा बोलो। See, example is in front of you. Your observation is required. See, left hand side से start करना है. What is common from numerator? Sine theta common है कि नहीं है? So sine common निकला तो अंदर बचा one minus two sine square theta. हाँ या ना? नीचे से common निकालो cos square theta. Cos theta. तो अंदर क्या बचा? Two cos square theta minus one. अब क्या करते हैं? साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन। नाउ ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो कोई भी एक को कन्वर्ट कर लो, जैसे कि वन माइनस टू, कैन आई राइट साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ या ना। नीचे एज इट इज रखते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एनी प्रॉब्लम, कुछ किया कॉमन निकाला एंड ऊपर नीचे कुछ अलग अलग है, तो सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉस स्क्वायर में। क्यों भाई ऐसा दिमाग में क्यों आया, नीचे कौन है, कॉस स्क्वायर है, तो सेम बनाने के लिए साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया। नाउ सिंपलीफाई करो, व्हाट इज द केस, सी टेन थीटा, आगे आंसर सी वन माइनस टू को अंदर ले लो, टू वन जा माइनस माइनस टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 cos square theta minus 1। अब इसको 1 minus 2 क्या होता है, minus 1 होता है कि नहीं होता है, so this is equal to 10 theta into, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल ये 2 cos square theta minus 1 upon 2 cos square theta minus 1, ये क्या हुआ कैंसल, आंसर इज 10 theta that is equal to your right hand side, right hand side। क्या किया देख लो, कॉमन निकाला, जो बचा उसको साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया, कॉस स्क्वायर, एंड सिंपलीफाई किया, तो वी गॉट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, ये रहा इतना मैथ्स तो आपको आता है। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना इजी है, मल्टीप्लाई का ये किया, प्लस माइनस करने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माइनस टू प्लस वन क्या होता है माइनस वन, इतना सिली मिस्टेक करोगे तो ओके राइट आंसर से भी है। सिंपल एग्जांपल है, a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्मूला आपको आती है, व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब sin
साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर है. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. चलो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस cos square plus x square whole square. So ये होने वाला है cos square a plus 2 cos a sec a sec square a. Any problem? Expansion किया. So sin and cosec दोनों क्या होते हैं, inverse. ये होगा cancel, 1 आएगा. मैंने लिखा है sin into cosec क्या होता है, 1. sec into cos क्या होता है, 1. So ये भी cancel, 1 आएगा. So 2 plus 2 क्या हो गया, 4. समझ में आ रहा, sin into cosec क्या होता है लिख लो, अगर समझ में नहीं आता तो. sin a into cosec a क्या होता है, 1. Then cot a into tan a, लेकिन cot tan की इधर जरूरत नहीं, कौन से फॉर्म की जरूरत है, cos a into sec a. cos a into sec a, cos a into sec a is equal to भी क्या होता है, 1. So ये 1 हो गया, 2 1 2 2 1 2 2 plus 2 4. sin square plus cos square भी क्या होता है, 1. sin square plus cos square क्या होता है, 1. ये पूरा एक line में addition है, this entire it is not ऊपर नीचे, ये एक लाइन है, पूरी लाइन है. कई स्टूडेंट ऐसा लिख लेंगे, सर ने ऊपर नीचे लिखा है ना, लिख लो, अरे दिमाग में ये प्लस है, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन. ओके, अब उसमें क्या किया, ध्यान दो इधर, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1. सो 4 प्लस 1 जो भी होगा वो प्लस, हमें लाना यहाँ पे कौन है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस sec square a. अब आपको चाहिए क्या, tan square and cot square. So cosec square को आप tan square के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे क्या, cosec square is equal to what, 1 plus cot square है या ना, plus sec square is 1 plus tan square a. 5 6 7 7 plus cot square a plus is equal to your right. This we have done already. See, we'll start from first example, first equation, that is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. ये हम कर चुके हैं, ये same example. See, 1 plus क्या आया, tan square a. Can you write cot square as 1 plus 1 upon tan square a? MCQ था ऐसा, याद आया कुछ, MCQ था कि नहीं था? अब यहाँ से LCM लेंगे, if you take LCM, क्या बचेगा, 1 plus, ध्यान दो इधर, tan square a, अगर मैं इधर LCM लूँगा तो this is tan square a plus 1, denominator में आएगा tan square, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर. अब ये दोनों क्या हुए, same. So answer is tan square a. Last ये same है, क्या होगा बोलो, second term, second equation क्या है, देखो 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square, ध्यान दो इधर. So again 1 minus tan को मैं ऐसे ही रखूंगा, cot को convert कर लो, 1 minus 1 upon क्या होगा tan a, ये का ये whole square है, यहाँ पे ध्यान, यहाँ से आगे LCM लेंगे तो tan a minus 1 upon tan a, LCM लेंगे तो क्या होगा इसका, this is 1 minus tan a, जो सुनो का whole square, नीचे होगा tan a minus 1 का whole square and divide by tan है कि नहीं है, LCM लेंगे तो इधर divide by tan आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका भी square, मतलब tan square a. ये कहाँ जाएगा next step में, ऊपर. लेकिन ये स्टेप में कंफ्यूजन आ सकता है आपके माइंड में. अब ये है 1 माइनस tan a होल स्क्वायर अपॉन tan a माइनस 1
होल स्क्वायर इन टू क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्यों कैसे सेम हुआ 1 माइनस 5 एंड 5 माइनस 1 सेम होता है क्या नहीं क्या है हाँ 1 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा माइनस 4 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 1 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 1 लेकिन जब इसके स्क्वायर करते हो ये क्या आता है माइनस 4 आएगा ये क्या आएगा 4 आएगा ये इक्वल नहीं है लेकिन जब इसके स्क्वायर करोगे तो ये भी 16 आता है ये भी 16 आता है स्क्वायर है इसलिए ये सेम हो जाएगा क्या मतलब निकलता है स्क्वायर अगर नहीं होता तो वी कैन नॉट टेक इट एज सेम प्लस होगा तो सेम है 5 प्लस 4 करो या 4 प्लस 5 करो वो सेम आता है लेकिन माइनस वाले केस में दोनों अलग अलग है लेकिन एज हियर इट इज अ स्क्वायर 1 माइनस 10 है 10 माइनस 1 है स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर इसलिए ये सेम होगा एंड आंसर इज 10 स्क्वायर ए उसके लॉजिकल रीजनिंग में ये लिख लेना मार्जिन क्या 5 माइनस 1 इक्वल नहीं है ये क्या आया माइनस 4 ये क्या आया 4 लेकिन अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 जब स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो सेम नहीं आएगा क्यूब विल नॉट बी सेम स्क्वायर विल बी सेम इज इट क्लियर सो हो गया लास्ट एग्जांपल ओके दिस इज फॉर योर क्लास वर्क आई विल हेल्प यू इफ यू सी डब्ल्यू क्लास वर्क आपको खुद करना है ओके इजी है सी हिंट दे देता हूं कॉसेक का क्या कर लो 1 बाय साइन सेक का क्या कर लो 1 बाय कॉस एंड सॉल्व कर लो सो कुछ ना कुछ सिंपलीफाई करके आगे बढ़ेंगे जो भी आंसर आया वो यहां से स्टार्ट करो 10 को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस इसको क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन एलसीएम लेके चेक करो यू विल गेट समथिंग इफ यू हैव अ डाउट व्हाइल सॉल्विंग इट ब्रिंग इट टू मी वी विल डिस्कस इट इन डाउट सेक्शन ओके तो हमारा